जिसने कभी ओरिजिनल नहीं देखा वो फोटोकॉपी से खुश हो जाता है कि नहीं? ये होता है, ये अक्सर हमारी मानसिकता है कि हम फोटोकॉपी से खुश हो जाते हैं। वो गजल जो इन्होंने भैया ने अभी सुनाई, ये गुलाम अली की है जिससे आप इंप्रेस हो रहे हो यहां पे, और इससे इंप्रेस इसलिए हो रहे हो क्योंकि ओरिजिनल को सुना ही नहीं है। जो ओरिजिनल को नहीं जानता है वो कॉपी से खुश हो जाता है, फोटोकॉपी से। आपको ये मालूम ही नहीं है आप उसकी गायकी से भी इंप्रेस हुए, वो गायकी भी उसकी नहीं है। वो जो ताने उसने ली, जो हरकतें उसने ली, या जिस तरह से शब्द को खिलाया, वो भी उसका नहीं है, वो भी गुलाम अली का है, कॉपी एज इट इज। एक एक हरकत, एक एक सिंगिंग स्टाइल, वही मेहदी हसन ने वैसा ही गाया है जैसा उसने गा के सुना दिया। अगर आप सीखना चाहते हैं घर बैठे वीडियो कॉल पर संगीत, तो अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धरा SPW, हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन। एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप तीनों पे अवेलेबल है। अभी परचेज कीजिए कोर्सेज और सीखिए संगीत घर बैठे। सबसे पहले ये बताओ कि ये गजल कैसी लगी इन्होंने गाई भैया ने? अच्छी लगी गायकी? अच्छी लगी, इम्प्रेस हुए, है ना? अक्सर जो बेवकूफ़ होते हैं वो ऐसे इम्प्रेस हो जाते हैं। अक्सर जो बेवकूफ़ होंगे वो इस चीज़ से इम्प्रेस होंगे। आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अक्सर ऐसा होता है। ये ज़रूरी थोड़ी कि ये वाला केस अक्सर ही हो, हाँ मतलब आपको छोड़ के और लोग जो हैं वो सब बेवकूफ़ हैं जो इससे इम्प्रेस होंगे। कारण बताता हूँ। पहली बात तो ये होती है कि जब इन्होंने ये गज़ल गाई, या कोई भी कोई गज़ल सुनाता है, कुछ भी हमें सुनाता है, तो हमें लगता है अरे वाह यार क्या बढ़िया, इतना बढ़िया गा रहा है यार ये, तो मतलब इसी की गाई हुई कितनी अच्छी गज़ल है, है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें मालूम नहीं कि इसका ओरिजिनल कौन है। जिसने कभी ओरिजिनल नहीं देखा वो फोटोकॉपी से खुश हो जाता है कि नहीं? ये होता है, ये अक्सर हमारी मानसिकता है कि हम फोटोकॉपी से खुश हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण की या राधा की या रुक्मणी की, इनकी तस्वीरें, इनके बुत जो हैं, हमें बहुत प्रभावित करते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं, हमें लगता है अरे यार क्या खूबसूरत है। मोनालिसा की पेंटिंग, अरे यार क्या बात है। दीपिका पादुकोण की फोटो, अरे यार क्या खूबसूरत है। लाइव कभी हमने देखा ही नहीं। पहली चीज तो ये कि हम रिकॉर्ड से ही मुतासिर, इंप्रेस्ड हैं, प्रभावित हैं। क्यों? क्योंकि हमने लाइव कभी नहीं देखा, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हम नकल से इतने खुश हैं, संतुष्ट हैं कि हम असल को, क्योंकि हम असल को जानते ही नहीं है, जो ओरिजिनल है। ये गज़ल आपने सुनी, ये गज़ल एक रूपांतरण समझ सकते हो, एक प्रेजेंटेशन समझ सकते हो, एक कॉपी समझ सकते हो। ओरिजिनल गुलाम अली की है, हमें नहीं मालूम क्योंकि हमने कभी सुनी नहीं ना। अब अक्सर क्या होता है, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, कल ही मेरी भार्गव भाई से बात हो रही थी कॉल पे, एंड उन्होंने बोला कि यार उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया, यार कोई पाकिस्तानी टीवी सीरियल है वो देखो आप यार, रांझा रांझा, बहुत अच्छी स्टोरी है उसकी और ये वो ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरे मुँह से निकल पड़ा, मैंने कहा रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे ही रांझा हुई, है ना? ये लाइन मैंने उन्हें बोली, तो वो बोले कि ये क्या है, ये कोई लाइन सुनी हुई है यार, ये किसकी लिखी है? तो मैंने कहा एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम किसकी लिखी है, पर ये है किसी फ़कीर की लिखी हुई पंजाब के, या तो बुल्ले शाह की होगी या खुसरो की होगी शायद, इन टाइप के किसी लोग की हैं जो फ़कीर हैं, उनकी लिखी हुई कुछ है ये। तो बोले हाँ यार कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, तब मैं उन्हें बता रहा था, भार्गव भाई बोलते मुझसे कि मैं बता रहा था कि यार मुझे उर्दू में बड़ी दिलचस्पी है, उर्दू लिटरेचर मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं पढ़ता हूँ ऐसे करके उनको बता रहा था। तो जिनसे वो बात कर रहे थे उन्होंने ये बोला कि बहुत अच्छी चीज़ है तुम्हें उर्दू में दिलचस्पी है, मगर तुम बुल्ले शाह को पढ़ो। बुल्ले शाह पंजाब के फ़कीर रहे हैं, जैसे हमारे कबीर रहमन, ये जो हैं ये फ़कीर हैं, कौन है ये? संत हैं, संत फ़कीर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। तो ऐसी उनको सलाह दी गई कि ये करना। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ यार ऐसा उन्होंने बोला, तो मैंने बोला बहुत सही बोला उन्होंने। ऐसा क्यों? क्योंकि ओरिजिन एक्चुअली में वहीं हुआ है इन सारी चीज़ों का, बाद में जो कुछ भी हो रहा है वो कॉपी है, ड्यूप्लीकेसी है, ड्यूप्लीकेट हो रहा है, वो फोटोकॉपी हो रहा है। मीर तकी मीर, खुदाए सुखन कहते हैं उन्हें, खुदाए सुखन यानी सुखन, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था पोइट्री, सुखन का मतलब पोइट्री होता है, पोइट्री का भगवान मानते हैं उन्हें, उर्दू पोइट्री का भगवान कहते हैं मीर तकी मीर, नाम भी नहीं सुना आप लोगों ने, है ना? कुछ लोग जानते हैं क्योंकि अगर दिलचस्पी है उस चीज़ में। ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें मीर ने न लिखा हो। पर वही बात मिर्ज़ा गालिब ने,
थोड़ी आसान भाषा में लिखी। वही बात आज तहजीब हाफी या वसीम बरेलवी साहब ये और आसान भाषा में आपको सुना रहे हैं, निदा फाजली आसान भाषा में, जावेद अख्तर आसान भाषा में आपको सुना रहे हैं। तो आप उनसे इंप्रेस हो जाते हो, यार जावेद साहब ने क्या चीज़ लिखी है, मिर्ज़ा गालिब ने क्या लिखा है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, यार निदा फाजली ने कितनी प्यारी गज़ल लिखी है, कितनी अच्छी बात कह दी। उनका अंदाज़े बयां है, वो बयान करने का अंदाज, एक्सप्रेस करने का वे है वो। खुद निदा फाजली साहब ने अपने एक मुशायरे में ये बात बोली कि कबीर की बहुत पुरानी एक गज़ल है, कबीर संत कबीर की एक गज़ल है, संत कबीर को हम सिर्फ इस नाम से जानते हैं कि दोहे लिखते हैं वो, संत कबीर की एक बहुत पुरानी गज़ल है जिसका उर्दू रूपांतरण मैंने किया है और ये लिखा है कि होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। ये वो खुद कहते हैं कि अमीर खुसरो के बाद दूसरी गज़ल 143 साल के बाद अगर कहीं मिलती है तो वो कबीर दास की मिलती है। मैं कबीर का मतला सुनाऊंगा गज़ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस गज़ल को शामिल किया है अपने कबीर में, और जब तक ये कबीर के मतले की आप दाद देंगे तब मैं शेर सुनाऊंगा अपने, सुनिए। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। मैंने इसे एक फिल्म में चुराया था और कहा था, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, चार बार चार जायज़ हैं। इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। कबीर साहब का मतला है, इसकी ज़रूर दाद दीजिए, बड़ा शायर था, कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। है ना, भार्गव भाई से जब बात करी तो कह रहे कि हाँ यार ये चीज़ तो मैंने भी सुनी है। ओशो भी कहते हैं कि पुरानी जो जितनी पाश्चात्य संस्कृतियां हैं, जितनी भी पाश्चात्य संस्कृतियां हैं उनकी जब जड़ें खंगाली गई तो मालूम चला कि उसमें सारी संस्कृति जो है वो सनातन धर्म की है, सारे रिचुअल्स सारे रिवाज रीति रिवाज वो हमारे ही हैं, सनातन धर्म के हैं जो वो लोग लेके गए कॉपी कर रहे हैं, जिसको हम मान रहे हैं कि अरे वेस्टर्न कल्चर यार। कुंफू कराटे कहाँ से आया, हिंदुस्तान की देन है। हस्त मुद्राएं जितनी थी ना वही सारी वहां गई हैं विदेश में, चाइना में, चाइना में जब गई उन्होंने अडेप्ट कर ली, कुंफू बना लिया, आज हम उनसे कुंफू सीख रहे हैं, है कि नहीं। ये होता है, ये हमारी मानसिकताएं हैं। अब मैंने इस पे उनको एक आसान एक जवाब भी दिया कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों होता आ रहा है और ऐसा क्यों होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा। ऐसी कोई नई बात आप नहीं कह दोगे, आपका सिर्फ अंदाज़े बयां जिसे हम कहते हैं वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, गालिब का शेर है, मैं एग्जैक्ट नहीं याद है पर हाँ ऐसा कुछ है कि हैं तो और भी सुखनवर दुनिया में, लेकिन सुखनवर, सुखन यानी पोएट्री, सुखनवर यानी पोएट, लिखने वाला पोएट्री करने वाला, हैं तो और भी सुखनवर दुनिया में लेकिन गालिब का है अंदाज़े बयां कुछ और। सुखनवर तो बहुत हैं, वही चार बातें, इश्क मोहब्बत ज़िंदगी बेशराब शराब शबाब और हुस्न, इस पर ही लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फिलॉसफी फलसफे ज़िंदगी के कुछ दे रहे हैं, इसी पर लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, मैं भी उसी पर लिख रहा हूँ, आप भी उसी पर लिखोगे, आप भी उसी टॉपिक ही वही चार ले गए हैं, चार ले देखे हैं, उस पर ही लिखोगे ना, है ना। वही उन्होंने भी लिखा, वही गालिब ने भी लिखा। गालिब इतने प्रसिद्ध क्यों हुए, उनका अंदाज़े बयां, उस बात को कहने का तरीका उनका बहुत ख़ास है। संगीत बहुत लोग सिखा रहे हैं यूट्यूब पर, मुझे लोग क्यों पसंद करते हैं, है ना, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे लोग पसंद करते हैं कि यार आप अच्छा सिखाते हो, तो मुझ में ऐसा क्या ख़ास है। अंदाज़े बयां, टॉपिक वही है, वही सुर है, वही संगीत है, वही राग है, वही राग आप किसी और से सीखो, वही राग आप अभी पिताजी से समझो तो समझ आता, अच्छा राग पहले समझा जाता है, रस पहले समझा जाता है, बाद में ख्याल आता है। तो ये उनका अंदाज़े बयां है जिससे आप इंप्रेस हुए, वरना राग वही है, वही राग आपको सैकड़ों लोग सिखा सकते हैं, किताब में भी वही वर्णित है। अंदाज़े बयां पे हम उसके कायल होते हैं, उस पे इंप्रेस हो जाते हैं। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा मीर ने वही सारी बातें कही लेकिन अपनी भाषा में। ये चीज़ मैंने उन्हें कुछ दिन पहले क्या किया था, एक कोई थॉट था, कोई मैं कोट लिखता रहता ना ऐसे, यूट्यूब पे भी लिखता हूँ, इंस्टा पे भी लिखता हूँ, तो मैंने वो तीन भाषाओं में लिखा हुआ था, उर्दू हिंदी और अंग्रेज़ी, शुद्ध हिंदी प्रॉपर उर्दू और अंग्रेज़ी, तीन भाषाओं में लिखा था। तो उन्होंने उसकी स्टोरी पर रिप्लाई करके लिखा कि चौथी भाषा में भी लिख देते कोई, है ना, कि तीन तो झाड़ दिया आपने इधर, चौथी में भी लिख देते। तो तब मैंने उन्हें यही जवाब दिया, मैंने कहा अगर मैं चाहता हूँ, If I want to reach every soul,
तो मुझे उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। मैंने कल भी उनको ये एग्जांपल दिया, मैंने कहा ये गांव है जयपुर में अपन जा रहे हैं, ये गांव है। अब यहाँ अगर मुझे उनसे बात करनी है आंटी से, उनकी भाषा अगर मुझे नहीं आती है तो मैं उन्हें बोल ही नहीं पाऊंगा कि मुझे पानी भी पीना है, और ना वो समझ पाएंगे, और वो भी आके अगर बोलती हैं कि बेटा मुझे भूख लगी है, तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि वो कहना क्या चाह रही हैं। तो भाषा की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए। तो मीर तकी मीर ने वो सारी बातें अपनी भाषा में, उस समय जो मौजूद थी, उस समय जो वोकैबुलरी, शब्दकोश, डिक्शन जो लोगों का था, उसमें वही बात बोली कि इश्क क्या है। इश्क एक भारी पत्थर है मीर, कब तुझ नातमा से उठता है। अब ये क्या बोला मीर ने, आपको कुछ समझ ही नहीं आया, है ना। और यही चीज़ अकबर इलाहाबादी ने लिखी, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको सुना रहा था, कि इश्क नहीं आसां बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हो सकता है ये थोड़ा बहुत समझ आया हो, अब इसको और आसान कर दो कि भैया ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है, कांटों पे चलना पड़ता है, तो अब समझ आया कि नहीं कि मैं क्या कहना चाह रहा था। जबकि यही चीज़ मीर ने ऐसे कही थी कि इश्क एक भारी पत्थर है मीर, ये कब तुझ नातमा से उठता है। नातमा यानी कमज़ोर, तो कमज़ोर है, तुझसे नहीं उठेगा, ये बहुत भारी पत्थर है। किसी चीज़ से इश्क करना, इश्क को समझना, है ना, वो पैशन समझना, और इश्क से मेरा मतलब यहाँ पैशन ही है, किसी चीज़ से भी हो सकता है, संगीत से होता है वो गहराई, ठीक है। तो वो है कि लैंग्वेज जो उस समय चल रही है, जो मौजूदा है और जो लोगों को समझ आती है, उसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया। अब शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर की कई फिलॉसफीज आपको यहां मिलेंगी कबीर में, जो कबीर ने पहले लिखी हैं, जिनको शेक्सपियर ने अपनी भाषा में उधर लिख दिया। 16th सेंचुरी ब्रिटेन में विलियम शेक्सपियर अपने एक प्ले में, मैकबेथ का यह है कि लेडी मैकबेथ के कहने पर उसका हस्बैंड बांको या डंकन का मर्डर कर देता है, लेकिन बीवी के कहने के ऊपर, तो लेडी मैकबेथ को, बीवी को ख्वाब आता है, हेलुसिनेशन होता है, नाइटमेयर आता है कि जैसे उसके हाथ के ऊपर वो खून के दाग जम गए हैं। तो रात को उठती है और वो कहती है अवे अवे योर ब्लडी स्टेन अवे, उसको ऐसा लगता है मेरे हाथ पे खून जम गया है, दाग ना। After couple of hundred years, maybe 100 years later, मीर क्या कहता है कि जम गया खून कफे कातिल पे तेरा मीर ज़बस, जम गया खून कफे कातिल पे तेरा मीर ज़बस, उनने रो रो दिया कल हाथ को धोते धोते। And that is our poetry. And that is Hindi. That is our poetry. अंग्रेज का अपना एक चलन है। उसके बाद दोबारा रूमी भाई दोबारा देखिए, 12th नाइट की ओपनिंग सीन के अंदर ही वो ओलिविया के लिए कहता है, सुनिएगा क्या बोलता है कि व्हेन माइन आईज डिड सी ओलिविया फर्स्ट, मेरी नजरों ने जब ओलिविया का दीदार किए, जब उसे देखा, मी थॉट शी पर्ज द एयर ऑफ पेस्टिलेंस। एयर ऑफ पेस्टिलेंस कहते हैं वो महामारी की जो वबा होती है, बीमारी है जो पूरा खलज से खत्म हो जाता है, ऐसी को एयर ऑफ पेस्टिलेंस बोलते हैं। जैसे अपने दिल्ली में है ना पॉल्यूशन, मतलब फालतू बात नको करने का, मतलब की बात करने का, बहुत सड़ेला हवा निकलता है इधर से। सो व्हेन माय आइज डिड सी ओलिविया फर्स्ट मी थॉट शी पर्ज द एयर ऑफ पेस्टिलेंस, that instant was I turned into a heart and my desires like fell and cruel hounds ever since pursue me. Dekhiye dekhiye dekhiye, when mine eyes did see Olivia first, me thought she purged the, meri mujhe mere mujhe didar hue to aisa laga ye jo hawa mein phaili hui bimari hai wo dur ho gayi ho. Mulaza farmaye, mujhe batane ki zarurat nahi hai ke main ab naam nahi bataunga, aapko batana hai ki wo kaun hai ustad जो कहेगा कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। टू जीनियस बोलते हैं, शेक्सपियर कहते हैं कि टू बी और नॉट टू बी। अब ये कहते हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी सोलिलोक्वी अगर मोनोलॉग पढ़ लो, उनके प्लेज पढ़ो जिसमें वो कहते हैं नो दाय सेल्फ। दाय क्या होता है, ये आर्केइक इंग्लिश है यानी पुरानी भाषा। अगर मैं कहूं ये काम किंचित न करिएगा, कौन किंचित, कदापि न करिएगा, अगर मैं ये कह दूं कौन कदापि, या मालूम ही नहीं है, शब्द ही नहीं मालूम है आपको, लेकिन अगर मैं कहता हूं कभी मत करना ये, और ये बिल्कुल मत करना, तो हाँ हाँ ये समझ आया, बिल्कुल बिल्कुल तो समझ आया, लेकिन किंचित कदापि, तो ये है भाषा का इस्तेमाल, इस तरह से ये लोग करते हैं इनके। और ये मैं भाषा से कला की ही बात कर रहा हूं यहां, है ना। और हम क्या करते हैं, उनसे मुतासर, उनसे इंप्रेस हो जाते हैं कि अरे वाह यार क्या बात लिखी है शेक्सपियर ने,
वो बात शेक्सपियर की नहीं है, वो बात कबीर की है। वो गजल जो इन्होंने भैया ने अभी सुनाई, ये गुलाम अली की है, जिससे आप इंप्रेस हो रहे हो यहाँ पे। और इससे इंप्रेस इसलिए हो रहे हो क्योंकि ओरिजिनल को सुना ही नहीं है। जो ओरिजिनल को नहीं जानता है वो कॉपी से खुश हो जाता है, फोटोकॉपी से। यार ये तो एकदम मधुबाला जैसी दिखती है यार, क्या खूबसूरत है। मधुबाला ही नहीं देखी आपने तो मधुबाला की खूबसूरती कितनी होगी। ये होता है जब कवर सॉन्ग्स पे लोग खुश हो जाते हैं ना, हम बड़े खुश होते हैं, गुरुजी क्या गाते हो आप तो मेहदी हसन को। पर ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनल मेहदी हसन है। ये जो भैया मैंने अभी आपको सुनाया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इंटरनेट पे जा रही है चीज़, तो मारेंगे लोग मुझे तो मैं नहीं चाहता हूँ भी किसी की बदनामी मैं करूँ। मैं कौन होता हूँ बदनामी करने वाला भाई? वो भी एक मकाम पर आदमी, कुछ मेहनत करके वहाँ पहुँचा, तो हु एम आई टू ब्लेम या डिबिलिटेल उसको नीचे करने वाला मैं कौन होता हूँ? गाया तो बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ऐसा बेकार तो गाया नहीं है ना, लेकिन कॉपी था वो और लोग इंप्रेस हो गए। आपको ये मालूम ही नहीं है, आप उसकी गायकी से भी इंप्रेस हुए, वो गायकी भी उसकी नहीं है। वो जो ताने उसने ली, जो हरकतें उसने ली, या जिस तरह से शब्द को खिलाया, वो भी उसका नहीं है, वो भी गुलाम अली का है, कॉपी एज इट इज। एक एक हरकत, एक एक सिंगिंग स्टाइल, वही मेहदी हसन ने वैसा ही गाया है जैसा उसने गा के सुना दिया। अब भाई अगर सुमन जी हमें अभी लता जी का कोई ऐसा गाना सुना दे जो हमने कभी सुना ना हो, तो हम तो यही बोलेंगे क्या बात है यार सुमन जी, क्या गाना गाया आपने। और हम इनसे ना पूछेंगे ना ये हमें बताएंगी, पर हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये गाना इनका है। और यही होता है, हम अज्यूम कर लेते हैं जैसे वो गाना इतना बढ़िया गाया है क्योंकि ऐसा गाया है जैसे उसका अपना हो, है कि नहीं? मैंने आपको यही कहा था ना कि गाने को इस तरह से गाओ जैसे कि आपका खुद का गाना है, किसी और का गाना नहीं है, आपका खुद का है, तो आप इस अंदाज से गाते हो तो सामने वाले को लगता हो रहे यार क्या भैया आपने बहुत अच्छा गाना गाया यार, मेरा था ही नहीं वो, एक एक हरकत किसी और की थी उसमें, एज इट इज कॉपी कर लिया। वो भी इतना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। गुलाम अली को गाना, मेहदी हसन को गाना क्या बच्चों का खेल है? वो सुरसुरावट, वो लय की पकड़, वो गायकी की पकड़, वो नहीं आती लोगों में, है ना। लेकिन हमें ओरिजिनल तक पहुंचना होगा, हमें ओरिजिनल की पहचान होनी चाहिए, है ना। आपने अगर कवर सॉन्ग सुना है तो ओरिजिनल ढूंढो कि ओरिजिनल कैसा है। मैंने बहुत ऐसे गाने हैं, जैसे मैथिली ठाकुर जी हैं, है ना, उन्होंने एक गाना, मैंने उनका गाना सुना था बोल कफ्फारा क्या होगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मुझे मालूम चला, मैंने कहा ये ओरिजिनल तो नहीं गाती हैं क्योंकि, तो इनका तो नहीं है ये। सर्च किया तो मालूम चला ये कव्वाली है किसी की, तो वहाँ देखी, मैंने कहा यार ये तो और अच्छी है, वहाँ देखा तो ये भी ओरिजिनल नहीं था, फिर पता चला ये तो किसी और की कव्वाली है, फिर पता चला उसकी भी नहीं है, ये किसी और की है। ये होता है, चीज़ें जो ओरिजिनल होती हैं वो खो जाती हैं अक्सर, क्योंकि इतनी सारी कॉपीज हैं उसकी, है ना। तो ओरिजिनल तक पहुंचो, ओरिजिनल में अलग मज़ा है, उसका अलग ही रस है, है ना। जब वो देखने जाओगे तो मालूम चलेगा और तब अकल आएगी, तब एक्चुअल चीज़ें मालूम चलेंगी, क्योंकि कॉपी कितना ही हो जाए इतना तो रह ही जाता है, इतना तो रह ही जाता है कि जो कॉपी नहीं किया गया, है ना। मैंने बहुत ऐसे गाने हैं जो कवर सॉन्ग पहले सुने। देखिए कॉपी करना किसी को या ये उस किसी और का गाना गाना ये गलत भी नहीं है, ये तो प्रचार प्रसार करना हुआ ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी तो मुझ तक कई गाने ऐसे पहुंचे जो मैंने ओरिजिनल नहीं सुने थे, किसी और के गाए हुए ही तो पहुंचे, तो वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन एज एन ऑडियंस, एज ए लिसनर, आपका ये फर्ज बनता है कि आप ओरिजिनल तक पहुँचें। तो फोटोकॉपी की या डुप्लीकेसी की, नकली डुप्लीकेसी है वो, उसकी चमक धमक में मत खो जाओ, ओरिजिनल को ढूंढो। ओरिजिनल किसका लिखा हुआ है, किसका गाया हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरल करके लिख दी जाती हैं। रीमेक, रीमेक के दीवाने होते हैं ना हम लोग तो, है ना, कि रीमेक की गई है तो हम बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, है कि नहीं। क्या यार वांटेड क्या पिक्चर है, ओरिजिनल नहीं है वो, ओरिजिनल कहानी किसी और ने कही थी, वो देखो वो असली है, वहां असली तथ्य वहां मिलेंगे आपको, क्योंकि कॉपी जैसी होती है, डुप्लीकेट जैसी होती है ना, थोड़ी बहुत बदल दी जाती है, बहुत बहुत ज्यादा चेंजेस है। अब जैसे वो मूवी जिसका एग्जांपल पापा भी देते हैं, दंगल, हम जब मूवी देखते हैं तो काफी सारी उसमें झूठ भी हैं, बहुत सारी चीजें बदली गई हैं मूवी के हिसाब से, लेकिन फिर आप वो मूवी देखने के बाद आपका क्या फर्ज बनता है, ये नहीं कि पॉपकॉर्न खा के निकल लिए और इंजॉय कर लिया, नहीं, आपका फर्ज बनता है कि उनकी ओरिजिनल स्टोरी ढूंढो और फिर पढ़ो, तब मालूम चलेगा असली बात, तब सीखने को मिलता है आपको एक्चुअली में, है ना। मैंने बहुत ऐसी गजलें हैं गुलाम अली की जो पहले गुलाम अली से नहीं किसी और से सुनी, बहुत ऐसी गजलें हैं जगजीत साहब की जो पहले मैंने गुरुजी से सुनी और सुनी अच्छी लगी, फिर मैंने ओरिजिनल जाके सुना और उसको तलाशा कि उसमें क्या खास है। हाँ वो भजन आपने मुझसे सुना, फिर आप गए जसराज जी पे, तब मालूम चला, अरे यार असली तो ये है, इन्होंने तो उसका ये गाया है, 1% गाया है,
अरे कोई भी ओरिजिनल का तो 1% हो पाएगा ना। तो ये एक आदत डालो एज अ लिसनर, एज अ म्यूजिक स्टूडेंट, ओरिजिनल को तलाशो, है ना। वो बात वो कुछ नहीं करेंगे, अंदाजे बयां बदल के आपके सामने पेश करेंगे। जैसे कि कर सकता हूँ इन्वर्जन, पोइट्री में नहीं होता है क्या? अभी एक ही चीज़ का, एक ही शेर का मैंने अभी करके दिखा दिया कि नहीं, कि मीर ने कहा कि इश्क एक भारी पत्थर है, मीर ये कब तुझ नातवां से उठता है। यही बात अकबर इलाहाबादी कहते हैं, है ना, कि अगाग का दरिया है, डूब के जाना है कि नहीं। और इसी चीज़ को मैं और आसान भाषा में बोल दूँ तो और कुछ नहीं हो रहा, भाषा की तब्दीली सिचुएशन अनुसार, लोग अनुसार। तब के लोग उर्दू ज़्यादा समझते थे, अब के बहुत कम समझते हैं, इसीलिए आजकल के जो शेर हैं उसमें हिंदी का प्रयोग है। सीधी सीधी सिंपल सिंपल भाषा है, बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। खैर वो तो और अलग बात है। ये चीज़ है, इस चीज़ पर जानो कि तथ्य क्या है और कहाँ से निकली है बात, तब मालूम चलेगा। अब क्या होता है लोगों को, हमारा ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी बातें सुन के इम्प्रेस हो जाते हैं, है ना, कि अरे यार मास्टर निषाद बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी ज़बान में मेरे वालिद का जहन बोलता है, मेरे पिताजी का जहन, उनका माइंड, उनके विचार मेरी जबान से बोलते हैं। देखिए, बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग्जिशों नाकामियों के साथ बहता है, मेरी आवाज में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरा सिर्फ अंदाजे बयां है, मैं सिर्फ उसी बात को लैंग्वेज बदल के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, बात मेरी नहीं है। लेकिन आपका क्या धोखा हो जाता है कि यह बात मास्टर निषाद की है। यही हो रहा है और यही चलता आ रहा है, यही चलता रहेगा, मुझे मालूम है। कल को मेरी स्टूडेंट, आप लोग चैनल बना रहे हैं, आपने अभी बोला कि मैं चैनल बनाऊंगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी देखना झलक आ ही जाएगी। लोग यही कर रहे हैं और यही करते आए हैं। आप अपनी भाषा में उसी चीज को समझा दोगे, वो बात तो आपकी नहीं हो जाएगी ना। लेकिन इसीलिए मैं अक्सर जब भी लिखा करता हूं कोई चीज तो उसके नीचे एक लाइन लिखता हूं कि विचार तो अटल सत्य है, अटल सत्य है, मेरा तो सिर्फ अंदाजे बयां है, है ना। तो अंदाजे बयां जिसका भी है उसको पकड़ो और अटल सत्य तक पहुंचो कि ओरिजिनल बात किसने कही है, ओरिजिनल गाई किसने है, वो तलाशो। फोटोकॉपी में इंप्रेस होके मत गुम हो जाओ, है ना, कि इन्होंने गुलाम अली की गजल बहुत अच्छी सी गा दी तो आपको लग रहा है ये गजल इनकी गाई हुई है। आधी ऊपर इंटरनेट पर ऐसी चीजें मिलेंगी जो ओरिजिनल नहीं है, इस धरती पर कुछ ओरिजिनल नहीं है। तेरी गलियां का अंतरा मोमिन के एक शेर से इंस्पायर्ड था, तेरे संग यारा की पंक्तियां फिराक गोरखपुरी के एक शेर से आती हैं, मेरा अपना गीत तेरी मिट्टी अनेकों भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है लेकिन शायद ही कहीं मेरा नाम लिखा गया हो। लेकिन ये कहना भी जरूरी है कि मेरी कोई भी रचना 100% ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल भारतवर्ष में सिर्फ दो रचनाएं हैं, वाल्मीकि की रामायण और वेद व्यास की महाभारत। इसके अलावा जो कुछ भी लिखा गया है सब घूम फिर के इन्हीं दो महाग्रंथों से प्रेरित है। ए आर रहमान तक के गाने पाए गए हैं कि कॉपी हैं, आर डी बर्मन के, एस डी बर्मन के, जिनको लोग बहुत महान मानते हैं ना। मैं किसी का बदनामी या किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, पर एक सत्य बात बता रहा हूं कि ऐसा होता है। लोग तलाशते हैं, अभी आप ढूंढने जाओगे ना इंटरनेट पे ओरिजिनल एंड कॉपी, इतनी मूवीज की आपको ओरिजिनल और कॉपी मिल जाएगी कि वो 5 बार 10 बार बन चुकी है वही पिक्चर, वही कहानी 10 बार दोहराई जा चुकी है ना, फिरा फिरा के उसमें बदल बदल के। आप आज पसंद कर रहे हो यार ये पिक्चर यार जोरदार, सलमान भाई ने क्या काम किया इसमें, वो काम है ही नहीं ना ओरिजिनल उनका, वो कहानी उनकी नहीं है, और आप क्रेडिट उनको दे देते हो। ये गलती, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ओरिजिनल तलाशो, क्योंकि आप क्रेडिट गलत आदमी को दे रहे हो। श्रेय भी तो भाई सही आदमी को दो ना। फिर आप मेरी बातें सुन के मेरी अगर तारीफ करते हो तो आप ये बेवकूफी कर रहे हो। और अगर हिमालय तक पहुंचना है तो भोलेनाथ मिलेंगे, यही वो हिमालय है जहां से गंगा बहती है। ये मेरे पिताजी ने अपने गुरु के लिए बोला है कि आप वो हिमालय हो जहां से गंगा बह रही है, वहीं से उनको ज्ञान मिला, उन्हीं की बातों को, उन्हीं की चीजों को इन्होंने अपनी भाषा में अपना दिमाग लगा के, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि एज इट इज कॉपी किया और सिर्फ अंदाजे बयां बदला, अपना दिमाग लगा के प्रेजेंट करके आपके सामने रखा। मैंने इनसे सीखा, उनसे सीखा, इन दोनों की बातें मिला के दिमाग लगा के अपनी भाषा में परोस दिया आपके सामने। कल को आप यही काम किसी और के साथ करोगे, है कि नहीं। तो कभी भी इतनी आसानी से इंप्रेस नहीं हो जाना किसी से जब तक ये कन्फर्म ना हो जाए कि ये बात उसकी है। ऐसी बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं अपनी बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि सारी बातें मेरी गुरु की ही हैं। बहुत ऐसी हैं जब जिन पे मैंने विश्लेषण किया, अपना एनालिसिस है, मेरा खुद का एनालिसिस है, अपनी रिसर्च है। मेरे पिताजी का भी ऐसा ही है ना, और इनका भी ऐसा ही है, गुरुजी का भी ऐसा ही है। तो इस चीज़ को आपको जानना होगा कि
कि ओरिजिनल क्या है, फोटोकॉपी क्या है और किसने क्या लिखा है, किसकी क्या बात है।